स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, विच इज़ एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, एंड देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये हमारा आज का स्टडी टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं बेटा इसको पढ़ना। Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society. Adolescence एक period भी हो सकता है जिसमें किसी का adulthood achieve हो रहा है, किसी person का वो adulthood की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे उसकी body grow कर रही है, उसका जो mind है वो develop हो रहा है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके बॉडी के वो भी मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक प्रक्रिया भी है जिसके अंदर बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होने की तरफ बढ़ता है और अपने एटीट्यूड्स या अपने बिलीव्स को भी डेवलप करता है और सोसाइटी का हिस्सा बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। तो 12 साल से 18 साल के बीच का जो पीरियड होता है इसको एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। और जब आपकी उम्र 12 साल से 18 साल के बीच होती है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एक प्रकार से एक सेतु की तरह है, एक पुल की तरह है जो बचपन को एडल्टहुड से जोड़ता है। एडोलेसेंस इज एकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो आप देखते हैं कि बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होता चला जाता है, शरीर में भी बदलाव आते हैं उनके और उनके बिहेवियर में भी बदलाव हम होते हुए देखते हैं। इसलिए इसको वल्नरेबल फेस कहा जाता है, क्योंकि अप्रत्याशित बदलाव या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानसिक तौर पर बच्चों को चेंज कर देती हैं या उनकी साइकोलॉजी भी चेंज हो सकती है इस समय। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टूवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। आमतौर पर एक तो होता है कोई यंग वन है, कोई यंगस्टर है, वो क्यूरियस होता है ना, उसकी जिज्ञासा होती है उसके मन में कि ये क्या है एल्कोहल या ड्रग होता क्या है, इसको एक बार इस्तेमाल करके देख क्या होता है इसके बॉडी पर, या एडवेंचर के लिए एक्साइटमेंट के लिए कोई इसका प्रयोग करता है या केवल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए करता है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि किसी भी यंगस्टर को मोटिवेट करते हैं कि आप ड्रग लो या अल्कोहल का इस्तेमाल करो। तो किसी भी बच्चे की एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है ना, जो उसको मोटिवेट करती है, आगे बढ़ाती है किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन को करने के लिए। दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि इसका काफ़ी बेनिफिट होता है अल्कोहल का और ड्रग अब्यूज़ का, तो क्यों ना ड्रग और अल्कोहल इस्तेमाल किया जाए जिससे हमको कोई बेनिफिट मिलेगा। ये सोच करके भी कई ऐसे बच्चे हैं जो उसको लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो पहला इस्तेमाल है ड्रग का या अल्कोहल का, चाहे वो क्यूरियोसिटी से या एक्सपेरिमेंटेशन से ही क्यों ना किया जाए, आगे चल के वो बच्चे के लिए जानलेवा और एक प्रकार से उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। बिकॉज बच्चा जो होता है उसको प्रॉब्लम से बचने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उससे निजात पाने के लिए उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है, जो कि गलत होता है। अब जीवन में कई प्रकार के तनाव होते हैं, चाहे वो एकेडमिक हों, एग्जामिनेशन रिलेटेड हों या पर्सनल हों, फैमिली रिलेटेड हों, और इसमें बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, ऐसे ड्रग्स की तरफ या अल्कोहल की तरफ खींचे चले जाते हैं उनसे बचने के लिए या उनसे दूरी बनाने के लिए, तो अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और कई लोग तो ये सोचते हैं, कई यंगस्टर्स तो ये सोचते हैं कि अल्कोहल को लेना कूल होता है या हम अच्छे दिखाई देंगे या हम प्रोग्रेसिव माने जाएंगे, हम एडवांस्ड माने जाएंगे कि अगर हम स्मोकिंग करें या ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो हमारी जो हमारे साथी हैं उनके सामने हमारी जो हमारा जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो ऐसा सोचकर कई लोग स्टार्ट करते हैं और ये उनकी हैबिट बन जाती है। फिर
अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ एमंग एडोलेसेंट्स आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर। इसके अलावा और कारण भी हैं, जैसे कि किसी किसी का फैमिली सपोर्टिव नहीं होता है, फैमिली में बहुत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो वो बच्चे अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं या ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, या माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो फिर वो ऐसा करते हैं। और पीयर प्रेशर यानी अपने जो साथी हैं या अपने साथ में जो लोग रहते हैं उनके प्रेशर में भी कई बार हमें ये लेना पड़ता है, और जिससे कि हमारे लिए फ्यूचर में वो डेंजरस हो जाता है। तो अगला टॉपिक है अपना एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो बेनिफिट्स को ध्यान में रख कर के इन ड्रग्स का इस्तेमाल बार बार लोग करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कोई इंसान ये बात भूल जाता है जो ड्रग्स ले रहा है कि ये जो ड्रग्स होती हैं या ये जो अल्कोहल होता है ये एडिक्टिव होता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता, इसकी आदत बन जाती है। तो जो एडिक्शन होता है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल। तो एडिक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कि एडिक्शन में क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं किसी भी ड्रग से या किसी एल्कोहल से, क्योंकि वो हमें कुछ समय के लिए हाई एनर्जी की स्टेट में पहुंचा देती है जिसको यूफोरिया कहते हैं, या उससे हमें टेम्परेरी तौर पर ये लगने लगता है कि हम सही हैं, हम इस समय बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन वेन दीज आर नॉट नीडेड, चाहे इनकी ज़रूरत हो हमें या ना हो हम खिंचे चले जाते हैं इनकी तरफ, और चाहे हमें इससे क्यों नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। बार बार इनका इस्तेमाल करने से हमारी जो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो इन ड्रग्स को रिसीव करते हैं उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाता है, और फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स की आवश्यकता या ज़्यादा अल्कोहल की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो हमारे रिसेप्टर्स हायर डोजेस पे रिस्पॉन्ड करते हैं फिर, और हमारी जो जो नीड है इनटेक करने की वो और बढ़ती चली जाती है। ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि चाहे आप इनका इस्तेमाल एक बार ही क्यों ना करें अपने जीवन में, आप एडिक्ट हो सकते हैं। तो ये सोचना भी गलत है कि चलो एक बार प्रयोग करके देखता हूँ एडिक्शन नहीं होगा, लेकिन एक बार प्रयोग करने से भी एडिक्शन आपका हो सकता है। दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल पुल द यूज़र इनटू अ विशियस सर्किल लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज़ एंड उसको फिर हम अब्यूज़ ही बोलेंगे, और उससे वो बाहर नहीं निकल पाता जो पर्सन इसको प्रयोग में लाता है। अब अगर आपको गाइड ना किया जाए और आपकी काउंसलिंग ना की जाए तो आप इसके डिपेंडेंस से अलग नहीं हो सकते, छुड़ा नहीं सकते अपना पीछा। तो डिपेंडेंस कैसे पता चलता है, अब हम ये कैसे मानेंगे कि हम डिपेंडेंट या एडिक्ट हैं? डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए करेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विदड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। तो डिपेंडेंस हमको तब पता चलेगा कि मान लो हमने एल्कोहल और ड्रग लेना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी में आ जाएगा विथड्रॉल सिंड्रोम, यानी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के सिम्टम्स हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि हमें अल्कोहल पीने को नहीं मिला है या हमें ड्रग्स नहीं मिल रही हैं, और हमारे लिए अनप्लेजेंट कंडीशन आ जाएगी जिसमें क्या होगा, एनजाइटी आ जाएगी हमारे अंदर, है ना, या हम शेकीनेस यानी हमारे अंग जो हैं वो हिलने लगेंगे, कंपन पैदा हो जाएगा बॉडी में, उल्टी जैसा हमें महसूस होगा, या हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, सिर दर्द हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी। और अगर आपको ये ड्रग्स मिल जाती हैं दोबारा या अल्कोहल मिल जाता है तो आप फिर नॉर्मल फील करेंगे, रिलीव्ड फील करेंगे। कुछ केसेस में तो विड्रॉल सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि आपकी जान पर आ सकती है, जान तक आपकी जा सकती है, और आपको मेडिकल सुपरविज़न की आवश्यकता तक पड़ सकती है। तो डिपेंडेंस के कारण ही जो पेशेंट है वो सारी सामाजिक चीज़ें सोशल नॉर्म्स को भूल जाता है और अपने लिए जो फंड्स जुटाने की कोशिश में लग जाता है, घर के सामान तक को बेच देता है, चोरी करने लगता है ताकि उसकी नीड पूरी हो जाए,
ठीक है ना, और इसकी वजह से आप सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, यानी सोसाइटी में आपको एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं, इवन फैमिली मेम्बर्स ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज़। तो इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है ड्रग्स का या एल्कोहल एब्यूज़ का, वो हो सकता है रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म और वायलेंस। मतलब आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होगा, आप जंगली जैसा बिहेवियर करेंगे यानी वैंडलिज्म, और आप हो सकता है हिंसा पर उतर आएं। बहुत ज़्यादा डोज ले जाने पर, ड्रग्स की ज़्यादा डोज ले जाएंगे तो आप कोमा में जा सकते हैं या डेथ हो सकती है आपकी, जिसमें के पीछे एक मेजर रीज़न हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो, और इतना जो है दिक्कत हो जाए कि आपकी डेथ तक हो जाए, या आपका हार्ट फेल हो जाए, या आपका जो दिमाग है वो ठीक से काम ना करे, सेरिब्रल हीमोरेज यानी दिमाग में क्लॉटिंग हो जाए, या कोई नस फट जाए दिमाग की। ड्रग्स का कॉम्बिनेशन लेने पर या अल्कोहल के साथ ड्रग्स को मिलाकर लेने पर ओवरडोजिंग की समस्या हो सकती है, और डेथ होने के काफ़ी कॉमन है डेथ होना। तो कुछ कॉमन वार्निंग साइन होते हैं ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ के, जो कि यूथ में देखे जाते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जो ड्रग्स और अल्कोहल का उपयोग करते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस घट जाती है अचानक से, वो स्कूल से कॉलेज से गायब रहने लगते हैं, साफ़ सफाई पर पर्सनल हाइजीन पर उनका ध्यान कम हो जाता है, लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, अकेले में रहने लगते हैं, अवसाद की स्थिति में रहते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, थकान रहती है उनको बहुत ज़्यादा, कभी कभी वो उनका एग्रेशन इतना होता है कि वो दूसरों से बहुत लड़ते हैं, रिबेल की तरह बिहेव करते हैं, विद्रोह बहुत करते हैं, है ना, रिबेलियस बिहेवियर कहते हैं इसको। उनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं परिवार में भी और दोस्तों के साथ भी, उनकी जो हॉबीज़ थी उनको वो छोड़ देते हैं, उनका इंटरेस्ट घट जाता है उसमें, उनके सोने की और खाने की आदतें चेंज हो जाती हैं, उनका वेट जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होने लगता है, और उनकी भूख कम हो जाती है, तो फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस और लंबे भी हो पड़ सकते हैं, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो चोरी तक कर सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं ये केवल उस पर्सन तक ही नहीं रहते जो कि ड्रग या अल्कोहल ले रहा है, ये तो उसकी फैमिली पर, पूरे परिवार पर आते हैं, उसके सारे दोस्तों पर, उसकी फैमिली पर भी आते हैं जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये फैमिली को भी झेलनी पड़ती है, या उसकी फैमिली को मानसिक प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी फैमिली मेम्बर्स को, ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। दोज़ हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, इंट्रावीनस इंजेक्शंस यानी आप डायरेक्टली इंजेक्शन के तौर पर वेन के अंदर आप ड्रग को डाल रहे हो नीडल और सिरिंज के माध्यम से, तो इसमें क्या होता है, एड्स का, हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है, बिकॉज कई बार कॉमन सिरिंज का इस्तेमाल कॉमन नीडल के साथ मतलब लोग करते हैं, एक ही सिरिंज और नीडल का उपयोग चार चार पाँच पाँच लोग कर लेते हैं, तो ऐसे में हेपेटाइटिस बी और एड्स का खतरा बढ़ जाता है। द वायरसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, वी ऑल नो। इसीलिए जो एड्स और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं ऐसे लोगों में जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, और ये एड्स और हेपेटाइटिस बी जानलेवा हैं, आपको पता ही है। इसके बाद ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और इन्फेक्टेड ब्लड से भी आगे बढ़ के हमारी सोसाइटी के अंदर फैल सकते हैं। अल्कोहल का एडोलेसेंस में इस्तेमाल करोगे तो उसके लंबे समय तक प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेंगे, इसका बचपन में थोड़ा सा इस्तेमाल आगे चल के एडल्टहुड में आपको शराबी तक बना सकता है, हैवी ड्रिंकर बना सकता है। आप ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू करेंगे लंबे तौर पर, या अल्कोहल का लंबे तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हो सकता है, आपको लिवर सिरहोसिस हो सकता है, जिसमें लिवर के अंदर फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है जिससे कि लिवर ख़राब हो जाता है। इवन प्रेग्नेंट वुमेंस में अगर ये होता है
अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़, तो बच्चे को बहुत नुकसान होता है, जो फीटस है उसको। आजकल स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स का मिसयूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वो दर्द निवारक दवाएं जिसे एनाल्जेसिक बोलते हैं, उनका बहुत मिसयूज़ करते हैं, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने मसल्स को डेवलप कर सकें, डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना वेट घटा सकें, पानी को बॉडी से निकाल के अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ और हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बॉडी का बल्क बढ़ जाए और एग्रेसिवनेस बढ़े उनकी, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। जैसे फीमेल में क्या होता है, मैस्कुलाइजेशन, जैसे मेल जैसे फीचर्स उनकी बॉडी में आने लगते हैं, वो एग्रेसिव हो जाती हैं, उनका मूड एक जैसा नहीं रहता, कई कई बार तो अवसाद की स्थिति होती है, डिप्रेशन होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चेंज हो सकते हैं, उनका जो पीरियड है वो चेंज हो सकता है बॉडी पर, यानी फेस पर और पूरी बॉडी पर बाल भी आ सकते हैं, क्लाइटोरिस का साइज चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, वॉइस भारी हो सकती है। मेल्स में क्या हो सकता है, मुहासे आ सकते हैं, एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेशन, टेस्टिकल्स का साइज घट सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, किडनी और लिवर डिसफंक्शन भी हो सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है, प्री मैच्योर बाल्डनेस हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये इफ़ेक्ट्स जो हैं अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे तो ये परमानेंट हो सकते हैं आपके साथ। तो इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल, सेवेयर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। तो एडोलेसेंस के टाइम पर अगर आप ऐसा ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ भी स्टंटेड हो जाए। तो अब हम इतना सारा समझने के बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर ध्यान देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बात सत्य है। हम सबको पता है कि स्मोकिंग, ड्रग लेना, अल्कोहल पीना, ये सब यंग एज में स्टार्ट होता है और एडोलेसेंस में कई लोग ये चीज़ें सीख जाते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हम ऐसी सिचुएशंस से दूर रहें, हम पहचानें अपने दोस्तों को कि कौन हमारा भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, और अगर हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ गए हैं कि मान लो हम ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ शुरू कर चुके हैं, तो रेमेडियल मेज़र लेना चाहिए। रेमेडियल यानी सुधार करना चाहिए हमें सही समय पर ही, वेल इन टाइम, ताकि हम जल्दी से जल्दी इससे निजात पा सकें। इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंटिंग में आपको डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना है अपने घर में, और साथ के साथ में बच्चे का पालन पोषण भी सही तरीके से करना होता है, ठीक है ना? तो अगर आप ठीक से पालन पोषण कर रहे हैं और डिसिप्लिन बना के रखते हैं, तो देखा जाता है कि ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ से बच्चा दूर रहता है। तो कुछ मेज़र्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सम ऑफ द मेज़र्स मेंशन्ड हियर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज अमंग एडोलेसेंट्स। तो इन मेज़र्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है भविष्य में हम ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ से बच सकें। जैसे कि सबसे पहले है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हर एक बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी चॉइसेस होती हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा हमें डांटना नहीं चाहिए, है ना? या उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए लिमिट से ज़्यादा, किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए या किसी एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए। तो अगर आप पीयर प्रेशर कम करेंगे, यानी आपका जो प्रेशर है बच्चे पर,
और आप बच्चे पर उसके साथियों का प्रेशर भी पड़ता है, उसके फ्रेंड्स का प्रेशर भी, तो पीयर प्रेशर में दोनों आ जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब उसका उसके ऊपर ये प्रेशर कम होगा तो हो सकता है वो ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ की तरफ ना जाए। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो अगर कोई जीवन में कोई तनाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फेस करना आना चाहिए, और उसको फेस करने के लिए आपको एजुकेट किया जा सकता है, आपको काउंसलिंग आपकी की जा सकती है, सलाह दी जा सकती है। आपको बचपन में, आपको हमेशा बचपन से ये बात सीख लेनी चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर जो होते हैं हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, या हर सिचुएशन अच्छी नहीं होती, कई बार बुरी सिचुएशंस भी लाइफ में हमारे सामने आती हैं। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ड्रग और अल्कोहल की तरफ जाना एक गलत तरीका है। तो बच्चे की एनर्जी को सही रास्ते पर लगाना, चैनलाइज करना, और उसको स्पोर्ट्स में या रीडिंग में या म्यूज़िक में, योगा में, या दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ाना हमें चाहिए, जिससे कि वो सही रास्ते पर चले। इसके अलावा सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, पेरेंट्स और जो साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे हेल्प हमेशा लेनी चाहिए, और उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर किसी का हमें मान लो बिहेवियर चेंज करना है, या उसको ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ से निकालना है, तो ये हेल्प जो होती है ट्रस्टेड फ्रेंड्स से भी ली जा सकती है, यानी जिन दोस्तों पर वो भरोसा करता है उनसे भी मदद ली जा सकती है। तो आपको उनसे सही एडवाइस भी मिलेगी, और जो एन्जाइटी की फीलिंग उस बच्चे में आ रही है वो भी दूर होगी, और कोई गिल्ट भी नहीं रहेगी उसको। हमेशा डेंजर साइंस का ध्यान रखें, अपने परिवार में जो एडोलेसेंट्स हैं, या अपने स्कूल में टीचर देख रहा है बच्चों को, तो हमेशा डेंजर साइंस की तरफ ध्यान दें, यानी बच्चे के बिहेवियर का हमेशा स्टडी करते रहो। इवन फ्रेंड्स भी स्टडी कर सकते हैं कि उनके जो फ्रेंड है कहीं वो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज़ तो नहीं कर रहे। पिता माता ये भी अपने बच्चों को देख करके पहचान सकते हैं कि उनके बिहेवियर में कोई अचानक से बदलाव तो नहीं आ गया है। और अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई डेंजर साइन लग रहा है उस बच्चे के बिहेवियर में, तो आप कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकते हैं सही समय पर, ताकि आप समस्या यानी मेलेडी को पहचान सकें, और उसके कॉजेज़ की स्टडी भी कर सकें, जिससे कि प्रॉपर रिमेडियल स्टेप्स और ट्रीटमेंट दिया जा सके। लास्ट इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। कई बार काउंसलिंग और गाइडेंस से या रास्ते निकालने से काम नहीं चल पाता, तो ऐसे समय पर हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट्स, साइकाइट्रिस्ट्स जो हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स आर ऑल्सो देयर टू हेल्प इंडिविजुअल्स हु हैव अनफॉर्चुनेटली गॉट इन अ क्वगमायर ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज़। तो इस भंवर में फंसने वाले लोगों को निकालने के लिए क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं, और इसके अलावा डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं हमारे समाज में, जो कि हमें इस समस्या से दूर ले जा सकते हैं। विथ सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल विथ सफिशियंट एफर्ट्स एंड विल पावर कैन गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम कम्प्लीटली। कोई भी एक इंडिविजुअल अगर इच्छा शक्ति से और सही एफर्ट लगाए तो वो इस प्रॉब्लम से पूरी तरह निजात पा सकता है, और एक परफेक्टली नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद आपका।